नमस्कार पशुपालक साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशुपालन हेल्पलाइन में। पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे, जैसा आपने थंबनेल पे देखा कि इंडियन गवर्नमेंट ने किटोप्रोफेन साल्ट के इंजेक्शन को बंद कर दिया है। तो साथियों, इसको क्यों बंद किया गया और क्या ये इंजेक्शन था, किस बीमारी में हम इसको यूज़ करते थे, क्यों इसको यूज़ किया जाता था, साथियों आज इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे। तो आपका स्वागत है वीडियो के अंदर साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें साथियों आपको कि यह जो इंजेक्शन किटोप्रोफेन, ये हेस्टर कंपनी इसको बनाती थी एंड्रोफ्लेक्सासिन साल्ट के साथ में मिला के, और बड़े अच्छे तौर पे ये मार्केट में बिक रहा था, अच्छा ब्रांड था और बड़ा अच्छा काम का इंजेक्शन भी था। इसका रीज़न क्या था कि यह इंजेक्शन, अगर हम बात करें और इंजेक्शन जो एनाल्जेसिक इसकी मान लो सब्स्टिट्यूट में इंजेक्शन थे, उसमें इसका रेट की अगर बात करें तो यह इंजेक्शन बहुत सस्ता और टिकाऊ इंजेक्शन था, जिसको एक डोज से हम पशु में ठीक कर लेते थे। अब दिक्कत कहाँ आई, इसको क्यों बंद किया गया, वो और भी बहुत कंपनियाँ थी जो किटोप्रोफेन साल्ट को बनाती थी, किटोप नाम से इंजेक्शन आता है, अलग अलग मार्केट में इंजेक्शन थे, पर साथियों जो ये इंजेक्शन किटोप्रोफेन बड़ा काम का इंजेक्शन था, इसको बंद किया गया है। इसका रीज़न क्या था, सबसे पहले बांग्लादेश देश ने इसको 2017 फरवरी के अंदर 16 फरवरी या 17 फरवरी को अपनी गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया ड्रग डिपार्टमेंट ने, तो वहाँ क्या देखा गया कि जो गिद्ध होते हैं वह मरे हुए जानवरों को खा लेते हैं, उसके बाद वह गिद्ध विलुप्त होते जा रहे थे। मतलब कि जिस पशु के अंदर किटोप्रोफेन साल्ट को यूज़ कर लिया जाता था, अगर उस पशु के शरीर को गिद्ध वगैरह खा लेते थे तो वह मर जाते थे। इसी पे अगर इंडियन गवर्नमेंट ने जब गौर किया इस बात के ऊपर, तो यहाँ पे भी देखा गया कि सेम यही रिजल्ट है, गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं और पशुओं के अंदर यह इंजेक्शन धड़ंधड़ हो रहा है। और उसका बस रीज़न यही था कि यह इंजेक्शन मार्केट के अंदर सस्ते दामों में मिल जाता था और इसके रिजल्ट बड़े शानदार मिलते थे पशुपालक भाइयों को। जो वेटनरी के हमारे प्रैक्टिशनर हैं, यूज़ करते थे, वो देखते थे कि सिंगल शॉट में वहाँ अगर पशु में पेट दर्द की कोई शिकायत थी या कोई दर्द वगैरह था, तो उसमें बड़ा शानदार इसका रिजल्ट रहता था। बहुत सी कंपनियां इसको बनाती हैं किटोप्रोफेन साल्ट को, अब पूर्णतः यह बंद कर दिया है। 87वीं जो बैठक हुई हमारी ड्रग्स डिपार्टमेंट की वेटनरी की, तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि भाई इस इंजेक्शन को बैन कर दिया जाएगा। अब बात करें कि यह इंजेक्शन जो पहले से मार्केट में अवेलेबल है, क्या वह इंजेक्शन चलेंगे, देखो वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। आपके जो होलसेलर हैं, जो आपके मेडिसिन वाले हैं, मेडिकल स्टोर वाले हैं, या आपके जो एरिया में डॉक्टर आ रहे हैं उनके पास स्टॉक है, तो देखो यूज़ तो इसको करेंगे ही, बट गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। बहुत से इंजेक्शन देखा आपने, जैसे ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन को पहले गवर्नमेंट बैन कर चुकी है, फिर भी वह मार्केट में चल रहा है। बहुत से इंजेक्शन जैसे बूस्टिन नाम का एक इंजेक्शन आता है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, फिर भी वो मार्केट में बिक रहा है। तो साथियों जो बैन होते हैं वो बिकते तो हैं, बट हमारा जो महत्व था आज का बात था, जो हमारा मेन मुद्दा था, जो आपको बस इस इंजेक्शन के बारे में बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, ताकि जो हमारे प्रैक्टिशनर भाई हैं किटोप्रोफेन साल्ट के ऊपर काम करते थे, उनको पता चले, जो पशुपालक या डेयरी फार्मर इस इंजेक्शन को यूज़ कर रहे थे अपने फार्मों के अंदर, तो उनको पता चल जाए कि यह इंजेक्शन अब पूर्णतः इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। और हेस्टर कंपनी का एक बहुत अच्छा ब्रांड था, मैं भी बहुत यूज़ करता था अपनी प्रैक्टिस में, किटोप्रोफेन और एंड्रोफ्लॉक्सासिन साल्ट में आता था, बड़ा शानदार रिजल्ट था। अब देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई मान लो नया गवर्नमेंट ऐड करती है या नहीं करती है, या इसको पूर्णतः बंद ही कर दिया जाएगा। बट अगर आज बात करें हम बैठक की, जो हमारी वेटनरी की बैठक हुई, उसके अंदर तो यही निर्णय लिया गया है भी इस इंजेक्शन को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। इसका मेन रीज़न था बस यही था कि इसकी वजह से जो इन पशुओं के अंदर ये यूज़ हो रहा था, जो पशु मर जाते थे, जिनको खुले में छोड़ दिया जाता था, उनको जो जानवर गिद्ध वगैरह खाती थी, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। और जब इसका पता लगाया गया, रिसर्च हुई पूरी, तो पता उसमें यही चला कि जो किटोप्रोफेन साल्ट है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो देखो बहुत से मैन्युफैक्चर थे किटोप्रोफेन के, और बड़ा शानदार रिजल्ट था इस इंजेक्शन का वेटनरी के अंदर, आज ये इंजेक्शन बैन कर दिया गया है। तो साथियों मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं भाई हमारे इस चैनल के ऊपर, और अपने पशुपालक भाइयों के पास इसको शेयर कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथियों चैनल पे बड़ा प्यार बनाया है, और आपने ऐसे ही अपने प्यार को बरकरार रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय गो माता।